हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए सच्ची भावनाएं क्या हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए या नहीं रखते। जर्नल रीडिंग है सभी जोडियक साइन के लिए और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है। हमेशा की तरह नेगेटिव तो होना ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव होकर ही रीडिंग देखें, जिससे कि पॉजिटिव चीज़ें ही आपके लाइफ में घटित हों। हमेशा पॉजिटिव घटित होना मतलब यही है, ठीक है। ओके, शांति, एकदम शांति। ट्रू फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, किसी कंफ्यूजन से निकल रहे हैं अब आपके पार्टनर, ठीक है। ओके, यस, किसी कंफ्यूजन से निकल रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं। ट्रू फीलिंग्स तो अब अच्छी हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर। ओके, ये सभी कार्ड्स लेंगे। बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ तो सेलिब्रेट करने वाले हैं, हो सकता है किसी का बर्थडे हो, ठीक है। कुछ पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। ये दो कार्ड्स हैं, दोनों भी हम लेंगे। ऑलराइट, इन दो कार्ड्स को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट रीडिंग करूँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी क्योंकि डिस्टर्बेंस है थोड़ा यहाँ पर। देखो, आपके पार्टनर डिसीजन ले रहे हैं आपकी तरफ, पॉजिटिव एनर्जीज हैं। सच कहूँ तो यहाँ पर प्यार है, सच्चा प्यार है आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए। सच्ची भावनाएं तो यही दिखाई दे रही हैं इस वक्त कि ये पर्सन डिसीजन ले रहा है आपके लिए, आपकी तरफ बढ़ने का। हर कंफ्यूजन से निकल रहा है, कंफ्यूजन से निकलने का एक और बड़ा कारण है थर्ड पार्टी से यहाँ पे आपके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ जर्नी स्टार्ट करेंगे थर्ड पर्सन के साथ, इस जर्नी को परमानेंट आपके पार्टनर ख़त्म करने वाले। क्यों ख़त्म करेंगे? क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को धोखा दे दिया। आपके पार्टनर दो चीज़ों में कन्फ्यूज थे, मतलब कोई और पर्सन हो सकता है, आप हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, आप कुछ तो ऐसी चीज़ें थी, लेकिन ये पर्सन ने, सभी लोगों ने इसको धोखा दिया, हर उस थर्ड सिचुएशन ने इसको धोखा दिया। ये डिसीज़न नहीं ले पाया, ये पर्सन आपके साथ नहीं रह पाया क्योंकि अब आपके पास आना चाहते हैं। तो ये जो डिसीज़न है ये आपकी तरफ है, ये कोई मैसेज कर सकते हैं, मतलब कहते हैं ना यूनिवर्स की तरफ से इस रिलेशनशिप के, इस प्यार के सारे डोर्स ओपन हो चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी है कि प्यार बरस रहा है इस रिश्ते में आप दोनों का एक दूसरे के साथ, ठीक है। यूनिवर्स है, ठीक है। और भाई, अब आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके अलावा किसी पर्सन का ये जो प्रपोजल होते हैं, ये जो सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, किसी का एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी थर्ड पार्टी में अभी भी देख पा रहे हैं आप, तो बहुत जल्दी उस थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं आपके पार्टनर, आपके पास आने का डिसीजन ले रहे हैं। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सच कहूँ तो जो भी दो सिचुएशंस थी, ये पर्सन आपसे प्यार करता है इसलिए आपके पास आने का डिसीज़न लिया है, आपके साथ बैलेंस करेगा, आपके साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत करके आपके साथ पॉजिटिव होना चाहता है ये पर्सन। ये पर्सन चाहता है, यूनिवर्स हील कर रहा है इस रिश्ते को, हो सकता है आपने भी हीलिंग ली हो इस रिलेशनशिप के लिए। अपने आप को जितना पॉजिटिव रखेंगे, ये पर्सन उतनी पॉजिटिव होकर आपके पास आएगा। हर कन्फ्यूज़न, हर सिचुएशन को दूर, गलत सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन को दूर करके अब आपके पास आएगा, क्योंकि आपके साथ एक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इस पर्सन को है ना धोखा दे दिया है। ओके ओके ओके, यहाँ पर आए हैं आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल यूरियल। आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल यूरियल आपके रिलेशनशिप की नेगेटिविटी दूर करेंगे और आप दोनों को हमेशा के लिए एक कर देंगे। यूनिवर्स अब आपको इस सिचुएशन से निकालेंगे, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से निकाल रहे हैं जहाँ पर बंधे हुए थे आपके पार्टनर। चलिए, ये कार्ड्स भी दिए। ओ माय गॉड, आर्कएंजल राफेल, आपके पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं, एक पॉजिटिव कमिटमेंट देना चाहते हैं, अनब्लॉक करेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और अगर हम बॉटम की एनर्जी देखें तो जो भी थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी फैला रहा था, जेलिसी फैला रहा था ना, वो पर्सन दूर हो जाएगा और आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में मिलेगी विक्ट्री। तो नेगेटिव चीज़ों को जाने दीजिए, अपने रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कीजिए। तो ये थी हमारी शॉर्ट रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।